अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सादिया खान। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। सॉरी, मैं बहुत सारे जो है वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं तो उनका रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं सब कमेंट्स देख लेती हूँ कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है जो बहुत सारे लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है कि उनके चीक्स पे, ओवरऑल कुछ लोगों की तो पूरे फेस पर पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है लेकिन मुझे यहाँ रहती है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिस्प्रिन टैबलेट्स के बारे में। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है वो ये यूज़ करें इस पैक को, तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो जिन जिन लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम है आज उनकी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी। तो चलिए चलकर जल्दी से हम ये रेडी कर लेते हैं। और इस पैक को बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ दो मेडिसिन चाहिए जिसका हमने पेस्ट बनाना है। दो से ज़्यादा आप मत यूज़ करिए, मेरे ख्याल में तो दो इनफ है, दो मेडिसिन ही बहुत हैं आपके फेस के लिए। तो मैं सिर्फ दो यूज़ करने वाली हूँ, तो चलिए चलकर हम ये रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने दो मेडिसिन ले लिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ कि ये थिक सा पेस्ट रहे, आपने इसको बिल्कुल पतला पेस्ट नहीं बनाना। तो मैंने इसमें एक चम्मच के करीब पानी डाला है, ये देखिए नजर आ रहा हो तो एक चम्मच पानी डाला है। और अब मैं इसको अच्छे से पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये जब डिस्प्रिन पानी में डिसॉल्व होती है तो ये देखिए इस तरीके से थोड़े से बबल्स बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने ये देखिए मैंने ये फिंगर्स की मदद से इसको बिल्कुल से ऐसे डिसॉल्व कर दिया, ये देखिए। तो अब आपने इसको जहां जहां आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है वहां अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहो तो आप इसको पूरे फेस पर भी लगा सकते हो, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं इसको सिर्फ अपने चीक्स पर लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैं इसे अपने गालों पर अप्लाई कर लेती हूँ, जहाँ जहाँ पर भी मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम है। तो मैंने इसको यहाँ पे अपने चीक्स पे अप्लाई कर लिया है। आपको अगर फोरहेड पे भी पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप फोरहेड पे भी लगा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको लगाना हो चाहें तो पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं। और मैं इसको डबल कोट करके लगा लेती हूँ इसी तरीके से। और इसको मैं 10 मिनट्स तक अपने फेस पर लगा के रखूँगी, उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी, इसके बाद स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। जी तो मुझे इसको लगाए हुए देखिए 10 मिनट्स हो चुके हैं और ये मेरा फेस बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको वाइप की मदद से क्लीन कर लेती हूँ। जी तो ये देखिए काफ़ी क्लीन हो गया है और ये स्किन देखिए थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, प्यारी सी हो गई है। तो ये खास तौर पे पिंपल्स के लिए बहुत बहुत ही अच्छी रेमेडी है, तो आप इसको ज़रूर घर में यूज़ करिएगा। और आप इसको हफ्ते में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है, आपको पिंपल से छुटकारा यकीनन मिल जाएगा। तो अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। एक्चुअल में मेरे पास कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो विंटर के हिसाब से मुझे कहा गया है, तो मैं बहुत जल्द आपके साथ विंटर के हिसाब से बहुत सारी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।